Hey, what is up guys, my name is Vaibhav and you are watching Animestrom. तो गाइस हमारी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डोरेमोन की कैसे एपिसोड के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे डोरेमोन का एक मिस्टीरियस एपिसोड है जो सिर्फ जापान के अंदर ही टेलीकास्ट किया गया था। वेल बेसिकली ये पूरा एपिसोड ओइजा बोर्ड के ऊपर बेस्ड है। अब ओइजा बोर्ड क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वेल ओइजा बोर्ड जो है वो बेसिकली हॉरर गेम है जो कि बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा खेला जाता है। इस गेम के थ्रू आप लोग स्पिरिट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेल मूविंग ऑन टू द वीडियो, और अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। इसकी स्टार्टिंग नोबिता के साथ होती है जो कि जियान, सुनियो और सिजुका के साथ खड़ा हुआ था। वेल ये सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे एंड ये लोग ये गेम खेलना चाहते थे, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आज कौन सा गेम ट्राई करें। तो यहाँ पर सुनियो सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम लोग आज ओइजा बोर्ड खेलें। बट सुनियो के अलावा इस गेम के बारे में और कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। तो सुनियो उन लोगों को बताता है कि ओइजा बोर्ड एक ऐसा गेम है जिसके थ्रू हम लोग स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद नोबिता काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है, लेकिन जियान और सुजुका अभी भी नॉर्मल थे। अब जियान और सुजुका आराम से गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नोबिता थोड़े से नखड़े करता है। लेकिन जब उससे सुजुका कहती है कि नोबिता ट्राई करो ना, तब नोबिता भी इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाता है। वेल ये लोग डिसाइड तो कर लेते हैं कि इन लोगों को ओइजा बोर्ड खेलना है, लेकिन किसी के भी पास ओइजा बोर्ड नहीं था। अब ये एक प्रॉब्लम थी, तो वो लोग नोबिता से कहते हैं कि क्यों ना तुम डोरेमोन से हेल्प मांगो, वो हमारी डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो अब सभी लोग डोरेमोन के पास जाते हैं और डोरेमोन को सारी बातें बताते हैं। वेल डोरेमोन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो वो उन लोगों को ओइजा बोर्ड ला कर देता है जो कि वो 22nd century से लाया था। उसके बाद डोरेमोन उस गेम के इंस्ट्रक्शन पढ़ता है जो कि उसके ऊपर लिखे हुए थे। उस गेम में लिखा था कि इस गेम को सिर्फ रात में ही खेला जा सकता है। अगर आपने इस गेम को एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप लोग इसे तब तक एंड नहीं कर सकते जब तक स्प्रिट ना चाहे, और अगर आप लोगों ने इस गेम को बीच में ही छोड़ दिया तो आपके साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। सभी लोग गेम खेलने के लिए रेडी थे, लेकिन अभी रात नहीं हुई थी तो सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। एंड नोबिता तो यहाँ पर सोच रहा था कि वो रात को कैसे इस गेम को ट्राई करेगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन सुनियो उस गेम को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। वेल एक्चुअली मैं वो मरे हुए सेलिब्रिटीज़ की स्पिरिट से कांटेक्ट करना चाहता था। सुनियो की ही तरह सिजुका भी इस गेम को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा की स्पिरिट से बात करना चाहती थी। अब थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है एंड सभी लोग नोबिता के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। नोबिता उन सभी को अपने रूम में लेकर आ जाता है एंड वो लोग एक कैंडल की रोशनी के बीच ओइजा बोर्ड को लाकर रख देते हैं। डोरेमोन गेट बंद करता है एंड इसके बाद डोरेमोन उस गेम को स्टार्ट करता है। वेल डोरेमोन उस गेम को स्टार्ट करता है और वो कहता है इज देयर एन स्पिरिट इन द रूम, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आता। एंड जियान कहता है कि ये मुझे फेक लग रहा है, इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन सुनियो जियान से कहता है कि ऐसा नहीं होता, ये गेम 100% काम करता है, लेट मी ट्राई। एंड उसके बाद सुनियो ट्राई करता है। सुनियो भी सेम चीज़ कहता है इज देयर एन स्पिरिट इन द रूम, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अब उन लोगों को ऐसा लगता है कि गेम फेक है, इससे कुछ भी नहीं होता, और वो लोग इस गेम को छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी अचानक से कैंडल बुझ जाती है, और ये सब कुछ देखने के बाद वो लोग अनस्टेबल होने लगते हैं। नोबिता भी काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और डोरेमोन से कुछ करने के लिए कहता है। फिर डोरेमोन कैंडल दोबारा से जलाता है, लेकिन जब कैंडल जलती है तो वो लोग ये नोटिस करते हैं कि ओइजा बोर्ड में छेड़खानी हुई थी, और वो बता रहा था कि इस रूम के अंदर एक स्प्रिट है। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो अनस्टेबल हो गए थे, लेकिन जियान बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। वो उन लोगों से कहता है कि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, मुझे इस गेम को बंद करने दो। एंड जियान उस गेम को बंद कर देता है और कैंडल को बुझाकर लाइट्स ऑन कर देता है। जियान की बहादुरी देखने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो जियान से कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अब जियान उन लोगों से कहता है कि दोस्तों क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ पर सभी लोगों से बताना है कि उन्हें क्या क्या चाहिए। एंड जियान फ्रिज में से उनके लिए खाने के लिए सामान लेने के लिए चला जाता है। जियान नीचे था, लेकिन फिर इसके बाद नोबिता को एक फ़ोन कॉल आता है जो कि जियान का था। अब जियान उन लोगों से कहता है कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है। एंड ये सब कुछ सुनने के बाद नोबिता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि नीचे जो जियान है वो कौन है। सो बस हमारी आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि उससे होगा ये कि आपको हमारे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट या फिर नोटिफिकेशन कभी भी मिस नहीं करनी पड़ेगी। टिल देन बाय बाय एंड यू कैन एंजॉय द आउट्रो एज ऑलवेज।